हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संगठन जो किया गया है, उसमें क्या क्या हमारे लिए एज ए स्टूडेंट जो भी हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी करते हैं, उसमें हम लोग के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो डिटेल डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NRA, ओके, और हिंदी में इसको बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ओके। इसमें दोस्तों जो मेन पॉइंट है, दैट इज द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस इज द मेन पॉइंट इन NRA, ओके। मींस इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मींस आपको जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो भी आप अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन भरते हो, उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको नहीं भरना पड़ेगा। आपको सिंगल एक कॉमन टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और आपको वहां से उसके बेस पे आपका फर्दर प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट का। आप लोग ने सुना होगा दोस्तों, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में दोस्तों, टीचर बनने के लिए हमको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, और उसके बेस पे फिर अलग अलग जो भी फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है वो वहां से होता है। उसी तरह हमारा जो भी रिक्रूटमेंट है वो अब होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से, जो कि अंडर किसके है, आपके नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है वो चलिए देखते हैं दोस्तों। द फर्स्ट पॉइंट इज Why is the NRA needed? क्यों ये जरूरत पड़ा दोस्तों? NRA का आपको क्यों रिक्वायरमेंट हुआ, गवर्नमेंट को क्यों रिक्वायरमेंट हुआ कि इसको आपको जो गठन किया गया NRA का, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एज ऑफ नाउ एस्पिरेंट्स हैव टू टेक डिफरेंट एग्जाम दैट आर कंडक्टेड बाय वेरियस एजेंसीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। हम लोग को पता है, अभी मैं बताया आप लोगों की डिफरेंट आपको जो भी रिक्रूटमेंट निकलता, फॉर एग्जाम्पल रेलवे का रिक्रूटमेंट निकलता, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन भरते हो। फॉर एग्जाम्पल IBPS का रिक्रूटमेंट निकला है, बैंक का रिक्रूटमेंट निकला है, तो उसके लिए आप अलग से फॉर्म भरोगे। तो ये अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है आप लोग को अभी तक, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको ये अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि लगभग 2 से 2.5 से 3 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं 1.2 लाख वैकेंसीज के लिए, मींस इतने वैकेंसीज के लिए आपको 2.5 से 3 करोड़ लोग वहां पे अप्लाई करते हैं। तो इतना ज्यादा फॉर्म आता है क्योंकि अलग अलग एजेंसी आपका रिक्रूटमेंट कराती, तो सब में आप डालोगे फॉर्म, तो वो नंबर ऑफ फॉर्म आपका ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, क्लियर है। नाउ द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, एज एंड व्हेन इट विल बी सेट अप द NRA विल कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज CET, एंड बेस्ड ऑन द CET स्कोर ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज विद द रेस्पेक्टिव एजेंसीज। मीन आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, और जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल RRB, SSB, IBPS, ठीक है, ये तीन नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों कि अभी जो कंडीशन है, अभी जो NRA में कंसिडर किया गया है, ये तीन एजेंसीज को लेके चल रहे हैं इसमें, SSB, RRB और है आपका IBPS, ठीक है। तो इनमें कोई भी एग्जाम आपका निकलता है तो वो आपका जो इनिशियल प्रोसेस होगा वो थ्रू होगा आपका CET, मींस आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से, क्लियर। नाउ विद द NRA कंडक्ट ए टेस्ट फॉर ऑल, विल द NRA कंडक्ट ए टेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो NRA है ये सभी वैकेंसीज के लिए कंडक्ट करा रही है आपका CET और कुछ पर्टिकुलर एग्जाम। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इनिशियली जो अभी है वो कुछ पर्टिकुलर है, जो आपका बोर्ड है उसके लिए ये कंडक्ट करा रही है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ पॉइंट क्या है इसमें। इनिशियली इट विल ऑर्गेनाइज CET टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ए ग्रुप बी एंड सी नॉन टेक्निकल पोस्ट which are now being conducted by SSC, RRB, IBPS. Later on, more examinations may be brought under it.
मतलब अभी जब अभी का जो कंडीशन है दोस्तों, रिसेंट कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो जो ग्रुप बी है और ग्रुप सी है, नॉन टेक्निकल जो ग्रुप बी और सी है अंडर एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस, ये इसमें इंक्लूड हो चुका है दोस्तों। तो जो भी नेक्स्ट इसका रिक्रूटमेंट आएगा वो थ्रू होगा आपका सीईटी के थ्रू। क्लियर? नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर थ्री लेवल्स, ग्रेजुएट्स, हायर सेकेंडरी एंड मैट्रिकुलेट। मींस अगर आप ग्रेजुएट हो तो वहां पे काम आने वाला है सीईटी, 12th पास हो तो काम आने वाला है, 10th पास हो तो काम आने वाला है, ठीक है? तो इन तीनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा बेस्ड ऑन आपका कौन सा पोस्ट निकल रहा है और आप किस में इंटरेस्टेड हो। क्लियर है? हाउएवर द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज आईबीपीएस आरआरबी एसएससी विल रिमेन इन प्लेस। इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए कोई भी एग्जाम होता है, जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया दोस्तों, तो रेलवे एक रिटर्न टेस्ट कराता है, उसके बाद उसको फर्दर जो भी है, मोस्टली रेलवे जो कराता है उसके बाद कराता है इंटरव्यूज। क्लियर है? तो जो इनिशियल जो प्रिलिमिनरी जो भी टेस्ट होगा दैट विल बी कवर्ड बाय सीईटी। उसके बाद जब आपका स्क्रीनिंग होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा, उसके बाद का जो फर्दर प्रोसेस रहेगा, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू अगर उनको कराना है या और कोई टेस्ट उनमें और शॉर्टलिस्ट करना है आपको, तो वो करेगा दैट बोर्ड। मींस आरआरबी का रिक्रूटमेंट है तो आरआरबी करेगा, एसएसबी का रिक्रूटमेंट है तो वो एसएसबी करेगा, लेकिन जो प्रिलिमनी आपका टेस्ट रहेगा, एग्जामिनेशन रहेगा, वो सीईटी के थ्रू आपका होने वाला है। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन स्क्रीनिंग डन एट सीईटी स्कोर लेवल फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर्स 2, 3 एक्सेट्रा ऑफ एग्जामिनेशन विच शैल बी कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो मैं अभी बताया आपको, जो टायर 1 है मींस आपका जो प्रिलिमनी है वो सीटी से होगा, बाकी जो प्रोसेस होगा दैट विल बी कवर्ड बाय रेस्पेक्टिव एजेंसीज जहां का भी वो रिक्रूटमेंट है। क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट, द करिकुलम फॉर सीटी वुड बी कॉमन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीटी के लिए जितना भी ऑल ओवर इंडिया है तो सिलेबस दोस्तों, सिलेबस आपका कॉमन होने वाला। तो दोस्तों आप अपनी कमर की पेटी थोड़ा और टाइट कर लो क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होने वाला है। और क्लियर है? क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कॉमन हो गया, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे थे पहले या आरआरबी की तो इस आपका सिलेबस था, बट अब ये सिलेबस स्पेसिफिक ना होके ये कॉमन सिलेबस हो गया है। क्लियर? नाउ बेनिफिट, ये है दोस्तों आपका बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ सीईटी या एनआरए, ठीक है? सीईटी या एनआरए का क्या बेनिफिट है ये यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट, टू मेक इट इजियर फॉर कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर्स वुड बी सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। मतलब दोस्तों आपको दूसरा आपको डिस्ट्रिक्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, जो भी आपका आउटर डिस्ट्रिक्ट हो, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी हो, मोस्टली क्या होता है दोस्तों मेट्रोस या जो बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट रहती है, जो बड़ी सिटीज रहती है वहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका सीईटी का एग्जामिनेशन होने वाला है। नाउ ए स्पेशल फोकस विल बी ऑन क्रिएटिंग एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब ये दोस्तों, अभी जितने आउटर हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो अप्रोच इनका मेट्रो से या बड़ी सिटी से बहुत दूर में रहते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरीली ये है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो एग्जामिनेशन वहां पे दे सके। क्लियर है? नाउ द गवर्नमेंट सेज दैट द मूव विल बेनिफिट द पुअर कैंडिडेट एज इन द प्रेजेंट सिस्टम दे हैव
टू अपियर इन मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई मल्टीपल एजेंसीज। ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि आपको मल्टीपल जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको नहीं करना है, नहीं फॉर्म भरना है, तो आपका यहाँ पे पैसा भी आपका बच जा रहा है, क्योंकि अगर तीन जगह आपको अप्लाई करना है तो तीनों का फीस अलग अलग भरना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप तीनों के लिए एक ही एग्जाम देंगे, दैट इज दी सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दे हैव टू इंक्योर एक्सपेंडिचर ऑन एग्जामिनेशन फीस, ट्रेवल, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड अदर थिंग्स। मीन्स आपको जाने की जरूरत नहीं है तो आपका ये खर्चा बच गया, फीस की खर्चा बच गया, आपको वहां रहने का खर्चा बच गया, क्योंकि आपका तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो रहा है, ठीक है, तो इतना सारा आपका खर्चा बच जा रहा है। क्लियर है? नाउ हाउ लॉन्ग विल दिस सीटी स्कोर बी वैलिड, कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा, दैट इज दी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप एक बार सीटी का एग्जाम क्लियर कर लिए या जो भी आपका स्कोर आया है वो कितने दिनों या कितने सालों तक वैलिड रहेगा। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्लियर करता है कि ये रहेगा आपका दोस्तों, द सीटी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मीन्स आपने अभी एग्जाम दिया है तो वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपको अगर इस बार आपने एग्जाम दिया स्कोर अच्छा नहीं आया तो दूसरे बार एग्जाम दे सकते हो आप और स्कोर अच्छा ला सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना एग्जाम दे रहे हो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो वैलिडिटी रहेगा वो 3 साल तक का वैलिडिटी रहेगा। नेक्स्ट, द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड टू बी द करेंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल। देखिए, जो बेस्ट रहेगा आपका, मान लो आपने 3 बार एग्जाम दिया और उसमें से आपने मान लो सेकेंड टर्म में या फर्स्ट टाइम में ही आपका बेस्ट स्कोर आ गया, तो जब भी रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों तो वो वाला जो आपका स्कोर है, जो स्कोर कार्ड है, वो वहां पे यूटिलाइज किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा, तो बेस्ट स्कोर कार्ड आपका वहां पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर? देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी टेकन बाई द कैंडिडेट टू अपियर इन द सीटी, इट विल बी सब्जेक्टेड टू दी अपर एज लिमिट। मतलब आपको कितने बार टेस्ट आप दे रहे हो सीटी, दैट इज दी नॉट रिस्ट्रिक्शन एनी मोर। ओके, आप 10 बार दे रहे हो, 20 बार दे रहे हो, 1 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपका जो अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो आप कितने भी बार एग्जाम दे सकते हो। क्लियर है? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई नहीं किया है क्या अपर एज लिमिट रहेगा, ठीक है, वो जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। नाउ हाउएवर द रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट शैल बी गिवन टू कैंडिडेट ऑफ एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स जो एससी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट और अदर जो भी हम लोग रिलैक्सेशन लेते हैं एज में, वो जो रूल है पहले का जो भी रूल है वही रूल आपका कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ सीईटी, ठीक है, मीडियम मींस वो कौन से लैंग्वेज में होगा। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा कि किस लैंग्वेज में, तो दोस्तों आपको ये बता देता हूं मैं कि ये टोटल 12 लैंग्वेजेस में होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। 12 लैंग्वेज में ये दिया जा सकता है आपका सीईटी एग्जाम। ओके, नाउ हाउ मच मनी विल बी स्पेंट ऑन द एनआरए, तो दोस्तों टोटल अराउंड 1500 करोड़ इसमें एक्सपेंड किया जा रहा है एनआरए के लिए फॉर 3 ईयर्स टू सेटिंग ऑफ ऑफ योर एनआरए एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो दूर दराज के हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहते दोस्तों, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, एनआरए का गठन करने के लिए, उसमें रिक्रूटमेंट करने के लिए आप जो टोटल अभी इनिशियल जो 3 ईयर्स के लिए जो पैसा दिया गया है वो अराउंड 1500 करोड़ यहाँ पे अलॉट किया गया है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले, उनको भी बेनिफिट हो कि एनआरए के थ्रू भाई उनको क्या क्या फायदा हो रहा है और वो किस पॉइंट में वो एलिजिबल है, किस पॉइंट में एलिजिबल नहीं है और उसके लिए क्या क्या बेनिफिट है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।